हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिसॉन एचटी क्रीम के बारे में। ये क्रीम को आप में से कई लोग यूज़ करते होंगे इंडिया में, लेकिन इस क्रीम के बारे में रेयर ही कुछ लोगों को पूरी जानकारी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z बताऊँगा ये क्रीम के बारे में, कि ये क्रीम को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का सही समय क्या है, और साइड इफ़ेक्ट से कैसे आप लोग बच सकते हो, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, एलिसॉन एचटी क्रीम को लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी बनाती है, जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है इंडिया में। अगर हम बात करें इन्ग्रीडियंट्स की, तो ये क्रीम तीन दवाओं से मिल के बना है। पहला हाइड्रोक्विनोन, दूसरा मोमेटासोन और तीसरा ट्रीटिनोइन। ये तीनों दवा का क्या काम है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हाइड्रोक्विनोन का यूज़ कोई भी स्किन प्रॉब्लम, जैसे डार्क स्पॉट, झाइयाँ या फिर कोई दाग को हटाने के पर्पज़ से किया जाता है। इसके अलावा एक्जिमा या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हाइड्रोक्विनोन को। वहीं पर अगर हम बात करें मोमेटासोन की, तो ये स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कोई भी स्किन इन्फेक्शन या फिर स्किन डिजीज़ को रोकने के लिए ये दवा का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रीटिनोइन की, ट्रीटिनोइन आपके चेहरे में या फिर स्किन में पिंपल्स वगैरह को रोकने में मददगार है, तो उस कंडीशन में ये दवा का यूज़ किया जाता है। क्योंकि एलिसॉन एचटी क्रीम ये तीनों ही दवा से मिल के बना है, तो आप लोग को आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये क्रीम को आप किस पर्पज़ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये क्रीम आपका पिगमेंटेशन के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आपके चेहरे में डार्क स्पॉट है तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एक्नी पिंपल्स के वजह से आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं तो उसको हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। टैनिंग का प्रॉब्लम है, डल स्किन है, एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, या फिर विमेंस को प्रेगनेंसी के वजह से पेट में जो दाग आ जाता है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए भी ये क्रीम को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये क्रीम आपका चेहरे में अगर चिकन पॉक्स के वजह से दाग है तो वो हटा सकते हैं, डार्क सर्कल है वो भी हटेगा, झुर्री झाइयाँ हैं या फिर आपका स्किन डिसकलर हो रहा तो उस कंडीशन में भी ये क्रीम को यूज़ कर सकते हो। अब कई लोग ये क्रीम को स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, तो मैं उनको बता दूं, ये क्रीम को अगर आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए उसको ठीक करने के पर्पज़ से अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 2 वीक्स में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये क्रीम को यूज़ करना बंद कर दें। ये क्रीम को कब यूज़ करना चाहिए? ये क्रीम को आप नाइट में यूज़ कर सकते हो। सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोइए कोई फेस वॉश से, साफ़ कपड़े से या टिश्यू से पोछिए। सूखने के बाद जहाँ पे भी दाग है वहाँ पे ये क्रीम को हल्का हल्का लगाइए, मालिश करिए, उसके बाद सुबह उठ के धो लीजिए। मेक श्योर ये क्रीम आपका आँख में, नाक में या मुँह में ना जाए। इसके अलावा ये क्रीम को बच्चों से भी दूर रखना चाहिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है, या फिर प्रेग्नेंट वीमन या जो बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने से पहले डॉक्टर का एडवाइस लें, उसके बाद ही यूज़ करें। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप ये क्रीम को यूज़ करेंगे, आपका स्किन पतला हो सकता है, स्किन में जलन हो सकती है, आपका स्किन का कलर रेड हो सकता है, आपको इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका स्किन में पैन हो सकता है, इसके अलावा आपके चेहरे में एक्नी पिंपल्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, इस क्रीम के बारे में लगभग मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो आप लोगों तक शेयर कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।